जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस 85 इंडिया में कपिल गौतम प्रेम। साल था 2008 और दिन बृहस्पतिवार और दिनांक आज यानी 28 अगस्त। दुनिया के पटल पर एक घटना घटी, पूरी दुनिया की ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी का भी नाम था। यह सूची फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की, यानी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो मात्र 29 वर्ष की आयु में 1995 में चुनी गई। वह इस पद के लिए चुनी गई सबसे कम उम्र की राजनीतिज्ञ थी और राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली दलित महिला, भारत की जो अछूत जाति से थी, जो कि मायावती का एक बड़ी संख्या में एक भाग है जो उनको फॉलो करता है और उनका अनुसरण करता है। 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मजबूती से गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी, जिसके वह प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि वह भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में मिल सकती हैं। भारत के अखबारों को यह खबर शायद याद है, इसलिए उन्होंने छोटे से कोने में खबर को लगाया है। नवोदय टाइम्स ने लिखा है, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में जगह दी। मायावती आज भी वही मायावती हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ अब काम करने का ढंग भी बदल गया है। देखते रहिए वॉइस 85 इंडिया। बहुजनों से हर जुड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जो हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।